Hi students, Prasanth here to explain the central idea of the poem My Mother at 66, composed by Kamala Das, the famous Indian poetess. Meri maa, jinki age 66 hai, uske bare mein ye likha gaya hai. The central idea expressed in this poem, central idea is poem ka ye hai that everything that has bloomed, koi bhi aisi cheez, yani is duniya ki har cheez, That has bloomed, जो खिल चुकी है निखर चुकी है will wither one day, एक दिन वो ज़रूर मुरझाएगी. Moreover, the images captures the fear of the narrator of losing her mother. इस poem में जो images हैं वो हमें ये दिखाती हैं कि कवित्री को बहुत डर है अपनी माँ को खोने का. किस वजह से? Due to decline health, क्योंकि उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है and loss of energy, और उनकी जो ताकत थी energy है वो भी कम हो रही है, which accompanies old age, उनकी एज बढ़ने की वजह से. द पोएट एक्सेप्ट्स दिस रियलिटी, कवित्री इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती हैं एंड डिस्टर्ब फॉर हर हेल्पलेसनेस, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि वो अपने आप को असमर्थ पाती हैं टुवार्ड्स हर ड्यूटीज़, जो उनके कर्तव्य हैं अपनी माँ की तरफ से करने के लिए, एंड हर मदर्स नीड फॉर हर, और जो ज़रूरत है उनकी माँ को उनके लिए, कि माँ को इस एज में इस कंडीशन में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनके पास रहकर वो उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही हैं. द फियर ऑफ लॉसिंग अ लव्ड वन, किसी ऐसे पर्सन को जिसको आप बहुत प्यार करते हो और उसके खोने का डर हो, यानी वो अब आपसे दूर चला जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, इज़ अ थीम. यही इस पोएम का थीम है. द रीडर कैन आइडेंटिफाई विद, कोई भी रीडर या पढ़ने वाला इस पोएम को बहुत आसानी से समझ सकता है. दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए नैरेटिव ऑफ 14 लाइन्स. इस पोएम की जो स्कीम है वो 14 लाइंस पर बेस्ड है, कॉल्ड एनचैपमेंट, जिसे हम एनचैपमेंट कहते हैं. दिस हाइलाइट्स द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इफेक्ट भी दिखाया गया है, वेयर वन थॉट लीड टू अनदर, जिसमें एक थिंकिंग आने के बाद भी दूसरी थिंकिंग उसी में जुड़ती चली जाती है.